में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूं मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह सुबहाना तआला ने नमाज मुसलमानों पे फर्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुबहाना तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज है, और मैं तकरीर किया हूं सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइटियसनेस। सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पर रखती है, तो सही रास्ते पर रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डीप्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त जरूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फायदे हैं? कई सैकड़ों फायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है जब हम सजदा करते हैं। देयर इज एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ। लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रेन्स होने के इम्कान कम है। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनस इज फ्लो आउट, इथमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सजदा करते हैं देयर लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट ड्रेन आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहते हैं आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 2/3 एयर एक्सहेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं और 2/3 एयर नहीं लेते हैं, 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जो आधा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सहेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है। लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं। जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट, कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा। जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है, और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइटियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है, साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। माइक नंबर 1 में जी भाई साहब। ब्रदर, माय नेम इज स्टैनिश गिल, आई एम अ बिजनेसमैन, एंड आई शुड से दैट इट्स अ प्रिविलेज एंड हॉनर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक टू यू। ब्रदर, आई एम अ क्रिश्चियन बिलीवर। Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding.
What I wanted to understand, the major difference is we believe in, we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I've heard from you and your TV series, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there. And he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not there, given importance? Bhai sahab ka sawal hai ke Islam aur Isaiyat mein kai ikhtaniyat hai, lekin ikhtilaf bhi hai. एक इख्तलाफ यह है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज्यादा, और हम मानते हैं खुदा खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते इटर्निटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं. और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मौजजा किए, मौजजा के जरिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहि सलाम में मानो. अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता. हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहि सलाम में माने. हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुबहाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे. आम पैगंबर ने हदीस में जिक्र आता है कि पांच अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहि सलाम. आम पैगंबर ने ईसा अलैहि सलाम अल्लाह सुबहाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे. और हम मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट. हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मौजजा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोड था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से. मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा. जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते. जब कहते हैं गॉड सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है. ये एक अहम इख्तलाफ है. छोटे इख्तलाफ और है, सबसे अहम इख्तलाफ है कि ईसा अलैहि सलाम खुदा का बेटा है. जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूं जिक्र मजहब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूं, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो. अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही. मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दिगर मजाहब के तालिब इल्म नहीं है. मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं. अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाएं मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, या ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं. गॉस्पेल ऑफ जॉन
Chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. Main apne aap kuch nahi kar